नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में 72 घंटे के बाद जो सियासत है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी कीमत पर वहां के जदयू विधायक को गिरफ्तार करे, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो तमाम जो भी विधायक हैं आरजेडी के उनके साथ तेजस्वी यादव गोपालगंज कूच कर जाएंगे। ट्रिपल मर्डर और उसके बाद एक और हत्या ने उस पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। और सबसे खास बात ये कि जदयू ने जवाब दिया है। जदयू नेता निखिल मंडल ने जवाब देते हुए कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है निखिल मंडल का। तेजस्वी जी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और सिर्फ हम ये कहते नहीं कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये जब भी ऐसा मौका आया है हमने इसे प्रूव किया है। तो कृपया करके हर मसले पे राजनीति ना करें और ना ही किसी मसले को जाति और धर्म से जोड़ें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जल्द ही जल्द सारे मामले पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर बिल्कुल सामने से आकर के एक तरीके से कहें कि बैटिंग कर रहे हैं। सबसे खास बात ये कि गोपालगंज में जो 3 लोगों की हत्या हुई वो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। आरोप लगा जदयू के विधायक पर। कहा जाता है कि जदयू विधायक नीतीश कुमार की बेहद करीबी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जदयू विधायक के भाई और भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 48 घंटे के बाद हुई एक और हत्या ने इस पूरे मामले को और गहरा दिया है। तेजस्वी यादव पीएमसीएच गए, उसके बाद आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान साफ तौर पर इस बात का किया कि आतंकी जदयू विधायक को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में जो आरजेडी के विधायक हैं तेजस्वी की अगुवाई में गोपालगंज पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, पहले ये सुन लीजिए। और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। बिहार में जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो ये बताएं कि आपके चहेते विधायक पे कोई एक आईपीसी धारा है जो नहीं लगा है? उनकी जो छवि है वो आप कह सकते हैं क्राइम को लगातार जो है बढ़ावा देने का काम किया। कुछ दिन पहले ही अपहरण का जो मामला आया था, कोई भी एक आईपीसी सेक्शन नहीं लगा। और जो है सरकार जो है पूरी तरीके से, नीतीश कुमार जी बताएं कि उनको बचाने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भद्दी मजाक है, नज़रबंद आपने घर पे कर रखा है और आप कहते हैं कि सरकार जो है बचाने का काम नहीं करेगी। इतनी धाराएं उन पे लगी हैं, इस सरकार ने सारी धाराओं को ख़त्म कराने का काम कर दिया। मंत्री जी के इशारे पर लीपापोती करने में लगी हुई, उनके इशारे पर पुलिस जो है नज़रबंदी का जो खेल है वो खेल रही है। आश्चर्य की बात है, जिसके ऊपर आरोप FIR में दर्ज है, और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, जो गवाह है, जो घायल है, जिसके परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई है, उसने बोला है। अभी तक जो है उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। और लगातार बिहार में जो है, जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के आर में अपराध का ग्राफ जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ा है। हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन सरकार जो है एक तरह से लगता है कि अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि उनको पूरी आज़ादी है लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर जन अधिकार पे खतरा हो, अगर जन सुरक्षा पे खतरा हो, तो हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं बल्कि जनता के प्रति, जनता के साथ रह करके उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और संघर्ष करेंगे।
और कोई आप लोगों का सवाल इससे जुड़ा हुआ है? तो बिहार में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गोपालगंज में 4 हत्या, 3 एक साथ हुई हत्या के बाद जो है वो सियासत पूरी तरीके से गर्म है। तेजस्वी यादव सरकार पर आक्रामक हैं। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में गोपालगंज के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। सबसे खास बात यह कि जिस विधायक के ऊपर ये आरोप लगा है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि जदयू की सफाई इस बात को लेकर के है कि पार्टी ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है, पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती है, यानी कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है। जब तक जदयू विधायक अरेस्ट नहीं होते हैं तब तक तेजस्वी ने कह दिया है कि वो शांत नहीं बैठेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।